तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा अगला प्रमेय है, जरूरत तो सेवेंथ क्लास में भी इसका है, सेवेंथ में भी, सिक्स में भी इस्तेमाल है, लेकिन नाइन्थ क्लास में इसको हमको सिद्ध करना है, इस प्रमेय को, कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। त्रिभुज का बाह्य कोण, मतलब किसी एक भुजा को बढ़ाएंगे त्रिभुज में तो उसका बाह्य कोण उसी त्रिभुज के विपरीत अंतः कोणों को के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए, चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी, ए बी सी। बीसी भुजा को बढ़ा देते हैं हम कहां तक, डी तक। बीसी भुजा को डी तक बढ़ा देते हैं। हमें सिद्ध करना है कि जो बाहरी कोण है टू, ये वन, ये मान लो थ्री है, वन और टू के योगफल के बराबर। वन मतलब एंगल ए और एंगल बी को ऐड करेंगे तो एंगल ए सी डी हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू। इसमें कुछ नहीं करना है, हमको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल का पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ए सी बी मिलके कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब ये वन और टू और ए सी बी कौन सा कोण हो गया, ये वाला, ये तीनों मिलके वन टू और इधर, ये मिलके 180 डिग्री हो गया। इसको समीकरण हमने क्या ले लिया, ये। अब ये दोनों एंगल देखिए, था ये सी और ये तीन, ये लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, रैखिक कोणों का युग, और इस पे ऑलरेडी हमारा वीडियो है कि लीनियर पेयर का योगफल कितना होता है, रैखिक कोणों के युग हमेशा सप्लीमेंट्री संपूरक होता है, मतलब कि दोनों कोण को जोड़ेंगे भी तो 180 डिग्री होगा। मतलब कि कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी बी मिलके भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हमें जो सिद्ध करना था कि कोण तीन जो है, कोण एक और कोण दो के योगफल के बराबर है। कोण तीन, कोण एक और कोण दो को, मतलब कोण ए सी डी, कोण ए और कोण बी को जब जोड़ेंगे तो उसके इक्वल होगा। तो कोण ए और बी, मतलब कि बाह्य कोण, बाहरी कोण ए सी डी, उसके विपरीत अंतः कोणों के योगफल के बराबर है। अब इन दोनों समीकरण को तुलना करेंगे तो ए बी और ए सी बी, ए बी और अंदर वाला सी कोण मिलके 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज, त्रिभुज का अंतः कोण है ना, ए सी डी और ए सी बी, ये जो पार्ट है ये क्या चीज है, रैखिक कोणों का युग्म है, रैखिक कोण है ना, और ये है, ये वाला जो पार्ट है त्रिभुज के अंतः कोण है ना। अब इन दोनों को तुलना कर देंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी बी। मतलब कि ये ए बी और ए सी बी भी 180 डिग्री, ए बी ए सी बी और ए सी डी और ए सी बी लीनियर पेयर से, मतलब रैखिक कोण से। अब ये इसका योगफल और इसका योगफल दोनों मिलके कितना है, 180 डिग्री। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, बराबर है। ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, बराबर। ए सी बी और ए सी बी दोनों में क्या है, एक तरफ, दोनों तरफ बराबर है। ये उधर जाके घट के जीरो हो जाएगा तो कुछ नहीं, कट जाएगा। तो इधर बच गया ए और इधर बच गया बी और इधर बच गया कोण ए सी डी। यही तो सिद्ध करना था, ये कोण ए सी डी बराबर कोण ए प्लस कोण बी, मतलब कि त्रिभुज का बाह्य कोण उसके विपरीत अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है।